बारातियों ने टोल कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यूपी के उन्नाव जिले में पैसे के विवाद में टोल प्लाजा कर्मियों और बारातियों के बीच मारपीट करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाराती और टोल कर्मी के बीच पैसों को लेकर विवाद होने लगा। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इस मामले में टोल प्लाजा कर्मी की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। यह घटना 6 मई की बताई जा रही है। प्रमुख समाचार मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ कानपुर हाईवे पर नवाबगंज में टोल प्लाजा है। प्लाजा के बूथ नंबर 15 पर एक कार आई, लेकिन उसमें फास्ट टैग नहीं लगा था। जब प्लाजा के कर्मचारियों ने पैसे मांगे तो कार का ड्राइवर गाड़ी लेन के किनारे से होकर भगाने लगा। ऐसे में बूथ संचालक ने गाड़ी को रोकना चाहा। कार को रोकने के लिए कार सवार प्लाजा कर्मी से विवाद करने लगा। तब तक कार सवार के बाकी साथी भी आ गए। बात आगे बढ़ गई और टोल प्लाजा पर मारपीट शुरू हो गई। टोल कर्मी का आरोप है कि आरोपियों ने डंडों से भी उनकी पिटाई की। जानकारी के मुताबिक कार बारात से आ रही थी। तहरीर के मुताबिक 7-8 गाड़ियों में लगभग 15 से 20 लोग सवार थे और यह लोग डंडे और राड से टोल कर्मियों को मारने लगे। मारपीट की घटना में 7 टोल कर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।